माय चैनल ब्यूटी टिप्स। माय नेम इज गुलशन खान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ समर स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, ये सारे प्रोडक्ट आपको 150 के अंदर मिल जाएंगे। और इन सारे प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो प्लीज इन प्रोडक्ट को ट्राई जरूर कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समर स्किन केयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फेस वॉश। तो यहाँ पर हम रूप मंत्रा कुकुम्बर फेस वॉश यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव फेस वॉश होता है और ये समर के लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश माना जाता है। रूप मंत्रा समर्स के लिए बेस्ट फेस वॉश होता है। इसके साथ ही साथ ये बहुत ही अफोर्डेबल भी होता है। ये फेस वॉश आपको 150 रुपीज़ के अंदर ईजिली मिल जाएगा। रूप मंत्रा फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसे अप्लाई करते ही आपकी स्किन पर ठंडा ठंडा सा फील होता है। रूप मंत्रा फेस वॉश में रेड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं। रूप मंत्रा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। इस फेस वॉश से अपने फेस को एक मिनट तक मसाज करें और फिर ठंडे पानी की हेल्प से इसे वॉश कर लें। अब हम करेंगे स्टेप टू। स्टेप टू के लिए हम यूज़ करेंगे एवरेट का वॉलनट स्क्रब। ये बहुत ही बेस्ट होता है समर्स के लिए। स्क्रब को फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। स्पेशली टी जोन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि टी जोन पर हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे टी जोन पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और याद रहे स्क्रब को बहुत ही आराम से धीरे धीरे अप्लाई करना है और मसाज करना है। स्क्रब से आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और डेड स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। स्क्रब को वीक में 1 से 2 बार ही यूज़ करें और स्क्रब हो जाने के बाद फेस को ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लें। थर्ड स्टेप में हम करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। टोनर को मैं फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। टोनर अप्लाई करने से हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिससे हम इसके बाद जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन को अच्छा रिजल्ट देते हैं और टोनर स्किन केयर में बहुत ज़रूरी होता है। फोर है फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यहाँ एवरेज का 10 रिमूवल पैक यूज़ करूँ। फेस पैक समर्स के लिए बेस्ट फेस पैक है। एवरेज फेस पैक समर में होने वाली टैनिंग को रिमूव करता है और स्किन को ब्राइटन एंड ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है। एवरेज फेस पैक आपको 150 रुपीज़ के अंदर इजीली मिल जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। इस फेस पैक को आप बॉडी एंड फेस दोनों में यूज़ कर सकते हैं और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और हाँ, फेस पैक को भी वीक में 2 से 3 बार ही यूज़ करें। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट का वेट करें और ड्राई हो जाने के बाद इसे ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लें। स्टेप 5 है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए हम यूज़ करेंगे पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र। समर्स में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत से लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। स्टेप 6 में हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी लोटस की सनस्क्रीन, क्योंकि 150 रुपीज़ के अंदर मुझे कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन नहीं मिला। आपके पास जो भी सनस्क्रीन अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन को फेस एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन समर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समर में टैन की प्रॉब्लम हो जाने से सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन को अच्छा रखता है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे लिप बाम। लिप बाम के लिए मैं यहाँ VLCC का लिप बाम यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, VLCC का लिप बाम बहुत ही अच्छा होता है। फेस के साथ साथ हमें अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।